अभी आज हम लोग देख रहे हैं साथ ही साथ स्विस कैनाल के बारे में। स्विस कैनाल अपने आप में ही बहुत ही जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। स्विस कैनाल की लोकेशन आप देखेंगे, ये मिडिल ईस्ट का बेल्ट है हमारा एंड ये हमारा साउथ जो अफ्रीकन बेल्ट है, और यहाँ पे ये जो आपका रीजन है रेड सी का, ये दिस इज अ रीजन बेसिकली जो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे आपका, और ये आर्टिफिशियल वाटर वे कनेक्ट कर रहा है जिसको हम लोग स्विस कैनाल का रीजन बोलते हैं यहाँ पे, और मतलब माइक्रोस्कोपिक भी और दिख जाएगा स्विस कैनाल का रीजन। अब स्विस कैनाल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं बेसिकली, क्योंकि स्विस कैनाल काफी इंपॉर्टेंट रहता है और अक्सर इसके ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज में भी रहती है चीजें। सो एक तरीके का आर्टिफिशियल वाटर वे है जिसको कनेक्ट करा गया है, बनाया गया है, जो साउथ एशियन रीजन को और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन को कनेक्ट करता है, जिसमें रेड सी जो है वो कनेक्ट होती है आपके मेडिटेरियन सी के साथ। सो दिस इज अ रीजन विच इज अ रीजन ऑफ द रेड सी एंड ये कनेक्ट कर रहा है आपका मेडिटेरियन सी के बेल्ट को, एंड दिस इज अ स्मॉल पैसेज ऑफ द स्विस कैनाल जो बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो एक आर्टिफिशियल वाटर वे जिसको डेवलप करा गया है। थोड़ा सा और अगर इसकी ब्रीफिंग में हम लोग देखें, सो एक इस कैनाल की हेल्प से, दिस इज अ रीजन, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ बेल्ट ऑफ इजिप्ट, दिस इज अ रीजन ऑफ योर मेडिटेरियन सी, दिस इज द रीजन ऑफ योर रेड सी, एंड एक स्मॉल सा पैसेज जो है दिस इज अ रीजन ऑफ योर स्विस कैनाल। सो बेसिकली जो सेलिंग डिस्टेंस है जो पूरा इंडियन ओशन से फिर आपका अटलांटिक ओशन से क्रॉस करके यूरोपियन नेशंस में जो ट्रेड होता था, तो ये सेलिंग डिस्टेंस को कम करता है ईस्ट एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली समथिंग जो डायरेक्ट रूट एक ऑफर कर रहा है आपका इंडियन ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में, और हमने जैसे अभी देखा रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने का काम करता है आपका स्विस कैनाल। यहाँ पे कैनाल साथ ही साथ सेपरेट करता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट, विच इज बेसिकली विच प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट मरीन टाइम रूट बिटवीन द यूरोप एंड द लैंड लाइंग अराउंड द इंडियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। सो काफी प्रोमिनेंट लोकेशन है जियो पॉलिटिकली, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट ये लोकेशन हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका इम्पोर्टेंट इजिप्ट के लिए क्यों है। सो अगर थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2015 में भी इजिप्ट ने बेसिकली अनाउंस किया था कि वो स्विस कैनाल के रीजन को यहाँ पे एक्सपैंड करने वाला है, जिससे जो नंबर ऑफ शिप्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेल कर पाए बाय द ईयर ऑफ 2023। और एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी है इजिप्ट के लिए, क्योंकि मेजर जो ट्रैफिक लाइन है जितनी भी विद रिस्पेक्ट टू योर इकोनॉमी ट्रेड वो आपका इस रीजन से इस बेल्ट से पास होती है, तो इजिप्ट के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल रीजन है। और हर साल जो कंट्री है वो कुछ $5.61 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर रही है बाय 2020, एंड दिस इज इवन इंक्रीजिंग इन ईयर बाय ईयर, बट कई बार जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस की वजह से भी अफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको इसमें साथ ही साथ देखनी पड़ेंगी जो आपके लिए क्वाइट रेलिवेंट हो सकती है। पैरेलल में हम लोग देखें तो आपको एक देखने को एक और चीज यहाँ पे जो हमें पता चलती है कि दिस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड शिपिंग लेन्स, व्हाई स्विस कैनाल एक ओपन कट रीजन है बेसिकली एंड विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर इट्स ट्रेडिंग पर्पसेस, जिसके एट मेजर बेल्ट्स हैं जहां से बेसिकली रूट्स डेवलप होते हैं, जहां से ट्रेडिंग जंक्शन जो है वो बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप टू द वेस्ट ऑफ द कैनाल अगर हम देखें तो एक लो लाइन डेल्टा रीजन है जहां पर आपके रिवर जो है नाइल रिवर वो पास होती है, एंड टू द ईस्ट इज द हायर लेवल रग्ड एरिड सिनाई पेनिनसुला। तो सिनाई पेनिनसुला अगर हम लोग देखें, आपको मैप पे भी इसकी लोकेशन एक बार दिखाते हैं कि सिनाई पेनिनसुला आपका कहाँ पर है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द सिनाई पेनिनसुला, देखिए। सो ये जो आप यहाँ पर देखे हैं ये जो दो ऐसे डिविजन आपको दिख रहे हैं, सो दिस इज अ रीजन ऑफ द सिनाई पेनिनसुला, ये छोटा सा रीजन जो है वो सिनाई पेनिनसुला का रीजन है यहाँ पे, एंड यही वो छोटा सा एक बेल्ट है जो स्विस कैनाल का जंक्शन क्रिएट कर रहा है। सो ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे पैरेलली इस चीज को देखते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड को भी देखें, सो अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड का कुछ 12% ट्रेड है जो इस रीजन से होता है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन से क्रूड ऑयल टू ग्रेन्स टू इंस्टेंट कॉफी का सबसे ज्यादा ट्रेड हमें, मतलब स्पेसिफिकली देखें तो क्रूड ऑयल यहाँ पे मेजर ट्रेड है जिसका हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल ट्रेड इस रीजन से करा जा रहा है। सो 12% वर्ल्ड का 12% जो ट्रेड है दैट पासेस थ्रू द कैनाल ईच ईयर, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रूड टू द इंस्टेंट कॉफी ओवर। जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस तो आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड अलॉन्ग विद द जियो पॉलिटिकल सिनेरियो। सो जियो पॉलिटिकल में हम लोग देखें स्विस कैनाल को एक शॉर्टेस्ट लिंक माना गया है जो एक लिंक डेवलप कर रहा है ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में ड्यू टू इट्स यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन, एंड यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन के पीछे की अपनी अपनी फैक्टर्स देखें, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर स्विस कैनाल बिल्ड है वो रूट को शॉर्टेस्ट बना देता है।
और जो ट्रेड है एशियन कॉन्टिनेंट का विद यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर वो सारा का सारा ट्रेड जो है वो बेसिकली कवर हो जाता है. सो दिस इज समथिंग शॉर्ट वी नीड टू नो अबाउट दी इन क्रिस व्हाट इज द स्विस कैनाल एंड स्विस कैनाल बेसिकली कैसे काम करता है. सो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर आपको हमारी ये सीरीज और ये लेक्चर अच्छा लगे सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट अ लाइक.